गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिवसीय असम के दौरे पर, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में, राहुल गांधी ने मांड्या जिले के मल्ले नाहली से की शुरुआत, इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से की बातचीत। मुलायम सिंह यादव की स्थिति गंभीर, अस्पताल ने कहा हालत अब भी चिंताजनक। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की जांच होगी या नहीं, कोर्ट कार्बन डेटिंग पर आज सुना सकती है फैसला। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश, 109.8 लाख मीट्रिक टन हुआ निर्यात। राजस्थान इन्वेस्ट समिट आज से, गुलाबी नगरी में आज उद्योगपतियों का मेला, 10 लाख करोड़ के निवेश से बदलेगी तकदीर। जयपुराइट्स को गहलोत सरकार ने दिया एक और तोहफा, मुख्यमंत्री गहलोत ने सोडाला एलिवेटेड रोड का किया लोकार्पण। राजधानी में तीसरे दिन भी रेजिडेंट का संपूर्ण कार्य बहिष्कार, कई वार्डों में भर्ती मरीजों को उठानी पड़ रही दिक्कतें। उदयपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में संत के साथ चाकू की नोक पर बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा के स्टेशन इलाके में कार से लैपटॉप और जरूरी डॉक्यूमेंट हुए चोरी, दो चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम, घटना सीसीटीवी में कैद। इंडिया ट्रैवल मार्ट में राजस्थान पर्यटन भी लगाएगा मंडप, राजस्थान पर्यटन की ओर से होगा रोड शो का भी आयोजन। जोधपुर में कल से दो दिवसीय मारवाड़ फेस्टिवल का होगा आगाज, देश विदेश से हजारों की संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद। तिजारा एसडीएम और वकीलों के बीच गतिरोध खत्म, एसडीएम ने कार्य सुचारू रूप से चलाने का दिया आश्वासन। 3 महीने के मॉनसून ने मिटाई 2 साल की टेंशन, बीसलपुर जवाई सहित 300 से ज्यादा बांध भरे। चोरू पुलिस ने 3 दुकानों में चोरी की वारदात का किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। बूंदी की देई खेड़ा पुलिस ने शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, पहले भी दर्ज हैं कई मामले। सिरोही में बाइक को बचाने के कारण पलटा केमिकल से भरा टैंकर, हादसे में 2 लोग घायल। भिवाड़ी में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने का मामला आया सामने, अज्ञात बदमाशों ने कार्ड बदलकर 1.30 लाख रुपए निकाले। जालौर के सायला थाना इलाके में पुलिस ने 7.10 ग्राम एमडीएम ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला किया दर्ज। आमेर में आज से फिर शुरू हुई हाथी सवारी, नवरात्र में बंद की गई थी हाथी सवारी। कोटा में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 28 पॉजिटिव केस आए सामने, जयपुर में 1 की मौत। जालौर जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जनसुनवाई शिविरों का आयोजन किया गया, जिला कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्या, मौके पर ही कराया समाधान। एयरलाइंस की दिवाली, तो यात्रियों का निकलेगा दिवाला, दीपावली पर जयपुर आना हुआ महंगा, एयरलाइंस ने 4 गुना तक बढ़ाया किराया। प्रदेश में आज 23 जिलों में बारिश का अलर्ट, 10 अक्टूबर तक बारिश की संभावना, पश्चिमी विक्षोभ का असर। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने किया संन्यास का ऐलान, कतर में खेलेंगे आखिरी फीफा वर्ल्ड कप। संजू सैमसन की ताबड़तोड़ पारी के बावजूद हारा भारत, साउथ अफ्रीका ने 9 रनों से जीता पहला मैच। महिला एशिया कप में भारत की पाकिस्तान से टक्कर, दोपहर 1 बजे से शुरू होगा मैच। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को लंदन के चेल्सी मैच दिखाने ले गए, सोशल मीडिया पर की फोटोज शेयर। आरआरआर फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल, एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म है आरआरआर। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।